नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन। आज की वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड की एक ऐसी लाइब्रेरी के बारे में बताना चाहूंगा जिसका यूज मुझे लगता है सभी एंड्रॉइड डेवलपर्स को करना चाहिए। तो उस लाइब्रेरी का नाम है, वो है बटर नाइफ एंड्रॉइड। ठीक है, ये एक तरह का प्लग इन है जिसका यूज करके हम अपने एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग थोड़ा ईजी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस बटन नाइफ एंड्रॉइड प्लगइन का यूज करके दिखाऊंगा। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस तरह से अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर थर्ड पार्टी प्लगइन ऐड कर सकते हैं। पर उसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बटर नाइफ एंड्रॉइड। अब बटर नाइफ एक्चुअली क्या होता है, मैं पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि जी, बटर नाइफ इज अ लाइट वेट लाइब्रेरी टू इंजेक्ट व्यूज इनटू एंड्रॉइड कंपोनेंट। मतलब ये एक तरह की लाइब्रेरी है जो एंड्रॉइड के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे बटन, टेक्स्ट व्यू और दूसरी चीजें जो भी होती हैं उनको उनमें इंजेक्ट करने का काम करती है, उनको उनको रेफरेंस लेने का काम करती है। मैं अगर अपने वर्ड्स में अगर मैं आपको, ठीक है ना, अब इनका इससे क्या फायदा होगा हमें, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। बट उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो को ऑन कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा, अब आपको सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो जब तक ऑन हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूँ कि आपको गूगल में जाके क्या लिखना है। आपको लिखना है गूगल में बटर नाइफ एंड्रॉइड। ठीक है, अब जैसे एंटर करेंगे तो जो गिटहब का पेज ओपन होगा ये आपको ओपन करके रखना है। ठीक है, ये जो गिटहब का पेज है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये वो ऑफिशियल पेज है जहां से आप बटर नाइफ के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बट हम बटर नाइफ को यूज क्यों कर रहे हैं पहले हम उसको समझते हैं। तो यहाँ मैंने अभी एंड्रॉइड इसको ऑन किया, ये देखिए मेरा ऑन हो गया। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे मैं गया, मैंने एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट की, नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट का नाम डाल देता हूँ बटर नाइफ डेमो। ठीक है, इस टाइप से कुछ मैंने कर लिया। मैंने लैंग्वेज जावा लिया है और एपीआई लेवल बाय डिफॉल्ट मिनिमम एसडीके उसने 16 सेट किया हुआ है, तो मैंने वही रहने दे रहा हूँ और मैं फिनिश कर रहा हूँ। चलिए, ये मेरा प्रोजेक्ट जैसे डिफॉल्ट है जो अपना होता है वो चालू हो गया है। अब हम पहले समझें कि हमारी परेशानी क्या है ना, जो जब तक हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तब तक हम जो प्लगइन यूज करने वाले हैं वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो जनरली आपने देखा होगा कि जैसे ये लेआउट बनाते हो जब आप, ठीक है, और आप थोड़ा बड़े प्रोजेक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको शायद इस चीज़ को रियलाइज होगा कि जैसे अपन जब डिजाइन करते हैं तो ये डिजाइन में जैसे बाय डिफॉल्ट ये आपको एक टेक्स्ट व्यू मिला हुआ है। ठीक है, मैं इस ये टेक्स्ट व्यू मिला है, मान लीजिए मैं इसको इसको मैं सेंटर, चलिए हमें जैसे टेक्स्ट व्यू मिला होता है। ठीक है, अब टेक्स्ट व्यू हो सकता है या अपन यहाँ करते हैं काम करते हैं, तो मैंने क्या किया, एक एडिट टेक्स्ट व्यू बना लिया है जैसे, और मैं चाहता हूँ इसके नीचे एक बटन बना लूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने बटन जैसे ड्रॉ कर लिया है। अब आपने जनरली देखा होगा कि जैसे आपको क्या क्या जरूरत, अब मान लीजिए इस पर कोई काम करना है, जैसे मुझे इस एडिट टेक्स्ट व्यू, मैंने ये डिजाइन किया, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए मैं इस एडिट टेक्स्ट व्यू को मैंने ड्रॉ किया हुआ है और मुझे इसका रेफरेंस चाहिए कोडिंग में। मतलब मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो इस इसका जो टेक्स्ट जो भी मैं टाइप करूंगा वो मैं बटन के रूप में, टोस्ट के रूप में शो कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो जनरल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे कि हम कोडिंग में जाते थे और सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमें किसका रेफरेंस बनाना है, एडिट टेक्स्ट का। तो हम यहाँ पर एडिट टेक्स्ट लिखते थे इस तरह से, फिर जैसे मैं इसका नाम जैसे E1 कर देता हूँ। ठीक है, अब इस E1 को जाके ऑन क्रिएट जो होता है उसमें जाके अपन उसका रेफरेंस देते थे फाइंड व्यू बाय आईडी से। तो टेक्स्ट बॉक्स एडिट टेक्स्ट बॉक्स बना है, इसका इसका जो आईडी वो बाय डिफॉल्ट क्या दिया है, एडिट टेक्स्ट पर्सनल नेम। ठीक है, अब हम यहाँ पे गए और हमने लिखा E1 इक्वल टू और फाइंड व्यू बाय आई डी डॉट आर डॉट आई डी डॉट ये अपन इसका रेफरेंस दिया। और अगर आप थोड़े पुराने डेवलपर होंगे तो आपको यार ये भी याद होगा कि पहले हमें यहाँ पर टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ती थी, कुछ इस टाइप से ऐसे लिखना पड़ता था। अब ये चीज़ नहीं होती है पर हम इस तरह से लिखते थे, याद होगा। ठीक है ना, मतलब एक रेफरेंस अलग बनाओ फिर यहाँ पर रख देना। बटन नाइफ क्या है, एक इंजेक्टर है जो व्यू इंजेक्टर है जिसे वो अपने एंड्रॉइड के कंपोनेंट में को इंजेक्ट करता है और उसके सही टाइप से मैनेज करता है। तो अगर मैं ये चीज बटरफ्लाई बटन नाइफ के थ्रू करना चाहूंगा तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं इस
या तो कमेंट कर देता हूँ, देखिए ये मैंने कमेंट किया है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है सबसे पहले इस जो बटर नाइफ का प्लगइन है उसके गिटहब पेज पे, यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, देखिए आप देखेंगे अगर, ठीक है। बट अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये डाउनलोड ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा पहले मैं बता दूँ, आपको अपनी ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर जाना है जहाँ पर आपको बिल्ड ग्रेडर मिलेंगे। बिल्ड ग्रेडर में दो है देखिए, ठीक है। इसमें आपको जो जाना है वो जाना है मॉड्यूल वाले में, ये सेकंड वाला है मॉड्यूल में, आपको प्रोजेक्ट पे नहीं जाना है, आपको मॉड्यूल पे जाना है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि आपको ऐड करना है, क्योंकि बटर नाइफ जो है वो क्या रिक्वायर्ड जावा 8 पे चलता है, मतलब उसके लिए जावा 8 जरूरी है। तो यहाँ पर ये दो लाइन लिखी हुई है एंड्रॉइड की, है ना, कंपाइल ऑप्शन में ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं। बट अगर आप गौर करेंगे और अगर आप लेटेस्ट पे काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये दो लाइनें हैं जो वो यहाँ पर ऑलरेडी एडेड है, देखिए। इसका मतलब हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड नहीं करना है। बट अगर आपके प्रोजेक्ट में आपको ध्यान देना है कि ये ग्रेडल के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन ऐड करना है। बट हमें अब सिर्फ क्या करना है, हमें इन दो लाइनों को ऐड नहीं करना है, हम सिर्फ इस डिपेंडेंसी वाली जो दो लाइनें हैं इनको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कॉपी किया मैंने और अपने प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी यहाँ लिखी है, उसके नीचे ही जाके मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ये जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर आप गौर करिएगा, ऊपर एक सिंक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, एक बटन आ जाएगी ग्रेडल पे, ठीक है। इससे होगा क्या, मैं बता दूं, इससे ये होगा कि बिना आपने सिर्फ इतना लगा दे, यही इट इज एडवांटेज ऑफ ग्रेडल। देखिए ग्रेडल का यहाँ फायदा है कि इतना सिर्फ लिख देने से ऑटोमेटिकली वो जो लाइब्रेरी है बटर नाइफ की, उसे उस प्लगइन को मेरे प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। सारी डिपेंडेंसी, सारा कोड, सारी उसकी जितनी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब मेरे प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको अलग से ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने सिंक नाउ पे क्लिक किया तो इट विल टेक टाइम, देखिए यहाँ पर आपको देखिएगा ग्रेडल बिल्ड नीडेड, ये देखिए इंपोर्टिंग स्कैनिंग, देखिए ये हो गया, इट मीन्स सक्सेसफुली हो गया। इसका मतलब ये जो बटर नाइफ है ये मेरे प्रोजेक्ट में आ गया है, एज ए लाइब्रेरी ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैं जाके क्या करूंगा, यहाँ पर मैं गया मेन एक्टिविटी में, तो जनरली हम यहाँ यूज करेंगे एनोटेशन। एनोटेशन जैसे ओवरराइड लिखा है, आपने एनोटेशन पढ़ा होगा, तो एनोटेशन जो होता है वो एट द रेट के साथ देते हैं जैसे, तो इसमें जो एनोटेशन चल रही है एट द रेट जैसे लगा, और जैसे मैं बी लिखूंगा, देखिए ये देखिए बाइंड व्यू, बाइंड फॉन्ट, बाइंड एनिमेशन, बाइंड एरे, मतलब बहुत सारी चीजें बाइंड कर सकते हैं। तो एक एनोटेशन आ जाएगी ऑटोमेटिकली, वो है बाइंड व्यू, जो कि किसकी है, बटर नाइफ की। मैंने बाइंड व्यू कर लिया ये। अब इसके अंदर क्या डालना है, हमें इसके अंदर हमें डालनी है अपने टेक्स्ट बॉक्स की आईडी, जिसको हम रेफरेंस देना चाहते हैं, एडिट टेक्स्ट बॉक्स की। ये देखिए ये आ गया, ठीक है, ये दे दिया। अब हम इसको एसोसिएट करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो आप इसके साथ ही दे सकते हैं, साथ में ही इस तरह से एडिट टेक्स्ट इवन, ये इट मींस इसने क्या किया कि ये जो इवन ऑब्जेक्ट एडिट टेक्स्ट का बना है इसको एसोसिएट कर दिया इस आर आई डी से, जो कि अपन यहाँ पर इस तरह से कर रहे थे। पहले हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे फिर उसको एसोसिएट कर रहे थे, देखिए यहाँ पर उसने एक लाइन से मेरा काम कर दिया। इसको आप कई बार इस तरह से भी देख सकते हैं, मल्टी लाइन में इस तरह से भी आप देखेंगे, जस्ट उसके नीचे देखिए इस तरह से। इसका मतलब इसने इसके बाद वाले को कंपोनेंट को कर दिया इस तरह से। तो अब क्या हो गया, जो इवन है ठीक वो एसोसिएट हो गया मेरे इस एडिट टेक्स्ट से। अब मैं सीधे आपको करके भी दिखाता हूँ, देखिए मैं इवन डॉट सेट टेक्स्ट, सीधे सेट टेक्स्ट देखिए दे रहा हूं मैं ये, हेलो फ्रेंड्स, मैंने गांधी जी मैसेज दे दिया, देखिए ठीक है। चलिए जैसे मैंने सेट टेक्स्ट सेट कर दिया है, ठीक है। बट अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको अपना व्यू सेट जब आप करते हैं अपने एक्टिविटी का, यहाँ पर आपको अपने एक्टिविटी को बाइंड करना पड़ेगा बटन नाइफ से। किस तरह से, कुछ इस टाइप से, बटन नाइफ डॉट बाइंड ये है, और अपन यहाँ पास कर देते हैं करंट एक्टिविटी का रेफरेंस दिस के थ्रू। इसका मतलब इससे वो बाइंड हो जाएगी, इसी से उसको रिसोर्सेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसको अपन रन करके देखते हैं, मेरी एवीडी ऑलरेडी स्टार्ट है, और मेरी एवीडी जो है वो एपीआई लेवल 30 पे बनी हुई है, देखिए ठीक है। ये मेरी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, देखिए, और आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या लिखा रहा है, हेलो फ्रेंड। इसका मतलब मैंने इवन को रेफरेंस जो दिया था बटर नाइफ के थ्रू वो हो गया है ये, जबकि जो डिफॉल्ट उस पर टेक्स्ट लिखा था वो नेम लिखा था, ये देखिए। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके दिखाता हूँ, जो डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स लिखा था उस पर क्या लिखा था, बाय डिफॉल्ट नेम लिखा था, बट कोडिंग जैसे रन हुई तो उसने इसको बदल दिया, हेलो फ्रेंड कर दिया। इसका मतलब अब एक लाइन से या दो लाइन से ही मेरा काम क्या हो गया, थोड़ा इजी हो गया, मुझे अब
फाइंड व्यू आईडी वाली मेथड यूज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो और आपको इजी लगेगा कि इसने इसको एसोसिएट कर दिया है। ऐसे अपन किसी और कंपोनेंट को भी कर सकते हैं। जब प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, आपको एक चीज समझने की, बड़ा होता है तो इन चीजों से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जो अननेसेसरी कोड्स हम लिखते हैं वो हमारे बच जाता है। अब इसमें एक चीज और मुझे पसंद है, वो क्या है, वो है इवेंट लगाना। मतलब अब जैसे ये बटन है ना, अब इस बटन में मुझे कोई इवेंट लगाना है हमारे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो नॉर्मली हमारा तरीका क्या होता है, कई तरीके होते हैं, तीन चार तरीके होते हैं, कम से कम तीन तरीके मुझे पता है। पहला तरीका जो सिंपलेस्ट होता है वो क्या है कि मैं जाके यहाँ पर एक मेथड बना दूंगा, पब्लिक वॉइड नाम जो भी आप रखना चाहें, ऑन क्लिक, चलिए इस टाइप से एक मेथड बना दूंगा मैं और व्यू पास कर दूंगा ये व्यू क्लास, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर दिया इसने, है ना यहाँ पे। और ये वाली बटन, ये जो मैं जाके डिजाइन व्यू में जाके इस बटन पे जाके ये ऑन क्लिक पे जाके यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक कोई मेथड बनाई थी वो सिलेक्ट कर ली। इसका मतलब इस बटन पे क्लिक करने पे ये वाली कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए ये हाईलाइट भी हो गई। ठीक है, ये भी थोड़ा सा हमें दूसरा तरीका होता है कि हम बटन का रेफरेंस बना लें, जैसे भी अपन ने उसका बनाया था, फिर उस पर लिस्नर लगाते थे। तो ये सब झंझट मुझे जो सबसे पर्सनली पसंद आया वो ये था कि ये सब भी आपको नहीं करना है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये एक तरह से, ठीक है ना। बस आपको अब इस बटन पे जैसे हमें इवेंट लगाना है तो यहाँ पर जाके हमें बाइंडिंग इवेंट है, जैसे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे अपन ने बाइंड व्यू किया था वैसे इसके अंदर आपको एक और एनोटेशन मिलेगा विच इज ऑन क्लिक। ठीक है, अब इसके अंदर जाके हमें क्या करना है, अपनी बटन की आईडी पास करनी है। तो हमारी बटन की आईडी हमें कैसे पता चलेगी, हम डिजाइन में जाएंगे और जो हमारी बटन है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी आईडी है बटन, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे इसको कॉल करेंगे, आर डॉट आई डी डॉट बटन, ये आ गया। अब इसके इसके आगे हम क्या कर सकते हैं सीधे, या तो इसके आगे इसके नीचे यहाँ पर यहीं पर आप एक मेथड डिक्लेयर कर दीजिए, जैसे आपने डिक्लेयर कर दिया मान लीजिए चेंज। और मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे क्लिक होने पे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी, एडिट टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इवन डॉट सेट टेक्स्ट और मैसेज, मैंने लिख दिया हेलो फ्रेंड्स, मैंने लिखा अगेन हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं इसको रन करके। ये जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए तो देखिए अगेन हेलो फ्रेंड चेंज। इसका मतलब इवेंट लगाना कितना इजी हो गया हमारे लिए। इसके और भी बाइंडिंग आए, आप दूसरी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए बाइंडिंग स्ट्रिंग है, अगर किसी स्ट्रिंग को बाइंड करना है, किसी ड्रॉएबल को बाइंड करके रखना है, कलर को बाइंड करके रखना है, तो आप कर सकते हो ऑटोमेटिक ये टाइप कास्ट करते। तो एज ए डेवलपर मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एक प्लगइन है जिसका यूज़ मुझे लगता है हर एंड्रॉइड डेवलपर को होना चाहिए। ये जावा और कोटलिन दोनों के लिए अवेलेबल है, आप किसी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से और भी एंड्रॉइड पर वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा और करता रहूँगा। बट हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हाँ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।